नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ News। 1 अप्रैल तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड। अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने पैन को आधार से लिंक करने की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2018 तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है। इस सीमा के अंदर आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो आपका कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं करेंगे तो आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। इस वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं ई फाइलिंग और लिंक। जी हाँ, incometaxindiafilling.gov.in पर जाएं और लाल रंग के लिंक आधार पर क्लिक करें। अगर अकाउंट नहीं बना तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। ऑनलाइन लॉगिन करते ही पेज खुलेगा। ब्लू स्ट्रिप पर प्रोफाइल सेटिंग चुनिए। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ सिलेक्ट करें। यहाँ दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक। आप SMS बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 5676788 या 56161 पर SMS भेजकर भी आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।